Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. तो चलिए देखते हैं आज कौन सी तिथि है. आज है 8th of November एंड वर्ष है 2021. दिन कौन सा है? 8वां. ओके, और मंथ कौन सा है? एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, कितने महीने? 12. ओके, तो ये कौन सा मंथ है? 11th, जिसको हम 11 नवंबर से लिखते हैं. और वर्ष है 2021. और आज दिन कौन सा है? आज है सोमवार. सोमवार मींस मंडे. ओके, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84. कल हमने किया था वर्णों को मिलाकर लिखो. हम कौन सी मात्रा कर रहे हैं, जल्दी से बताएं. हम कर रहे हैं री की मात्रा. री से ऋषि, री की मात्रा हम कर रहे हैं. उसी से रिलेटेड हमने कल एक वर्कशीट की थी, वर्णों को मिलाकर लिखो. आज हम उसी वर्कशीट की रिवीजन करेंगे, फिर से दोहराएंगे वर्णों को मिलाकर लिखो. मैम ने आपको बताया था री की मात्रा कैसी होती है, वह अंग्रेजी लेटर सी की तरह लिखी जाती है ना. और वो कहाँ लिखती है, लगती है? क्या वो वर्णों के ऊपर लिखती है? नो मैम, वो तो वर्णों की खड़ी पाई यानी स्टैंडिंग लाइन के नीचे लगती है ना. वेरी गुड. तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं, वर्णों को मिलाकर लिखो. फिर से हम चित्र देखेंगे और मिलाकर लिखेंगे. सबसे पहले क्या है? म री मृग. मृग, ये है मृग. आपने बुक रीडिंग की थी ना, उसमें ये क्या है? मृग यानी कि हिरण. ये देखो म री और ग, मृग. वेरी गुड. अगला देख लेते हैं, पढ़िए. अगला है व री वृक्ष. वृक्ष, ये देखिए कितना विशाल वृक्ष है ना. एक विशाल वृक्ष यानी कि ट्री. क्या है ये? वृक्ष. ओके, अगला क्या है? ग री ह गृह. गृह मतलब घर, हाउस. ये क्या है? गृह. ग री ह गृह. अगला देखते हैं न री प. न री प निर. ये देखिए ये क्या है? न री प निर यानी कि किंग, राजा. ओके, अगला पढ़िए जल्दी से. ये है क री कृषक. कृषक, कृषक मतलब किसान. ये देखिए ये है किसान. और ये कहाँ काम कर रहा है? ये तो खेतों में काम कर रहा है ना, तो ये क्या है? कृषक. और अंत में क्या है? क री पाण. क री पाण, कृपाण. ये है अ कर्व ब्लेड, तलवार. कृपाण, इसको क्या बोलते हैं? कृपाण. ओके, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या है? म री ग मृग. तो हम लिखेंगे म, ये मैंने म लिख दिया. ओके, अब मैं ये लिखूंगी री, तो कहाँ लगेगा? खड़ी पाई के नीचे सी की तरह. और क्या लिख देंगे? ग, तो क्या बन गया? मृग. वेरी गुड. अगला है विशाल वृक्ष. व री ये लिख दिया मैंने, व और इसके नीचे री वृक्ष और साथ में श वृक्ष. ओके, पूरी स्टैंडिंग लाइन नहीं लगाएंगे, स्लिपिंग लाइन यहाँ पे नहीं लगी. उसके आगे है ग री ह गृह. तो गृह क्या होता है? घर. ये हो गया री और ये हो गया ह. गृह मतलब हाउस. और ये क्या है? न री प. न ये खड़ी पाई, री प निर. ओके, वेरी गुड. अगला क्या है पढ़िए? क री श क, क्या बना? कृषक. क री श
ऋषभ, वेरी गुड। ये क्या है? कृपाण, कृपाण। क योग्या री पा और न, कृपाण। ओके, है ना इजी? एक बार दोहरा लेते हैं। ये क्या है? मृग, वृक्ष, गृह, निर, कृषक और कृपाण। आई होप रिविजन जब आप एक बार फिर से करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको ये सारे शब्द का सही उच्चारण करना और लिखना आ जाएगा। सो आपने भी अपनी नोटबुक में रिविजन में लिखना है, वर्णों को मिलाकर लिखो। ओके, धन्यवाद।